Once again, welcome back in my name दोस्तों मैं हूं आकाश पटेल, आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? सबसे पहले आप सबको युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आप सब युवा हैं और युवा वाली हरकतें करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी हम 60 प्लस वाली हरकतें कर रहे हैं, यानी वृद्धों वाली अवस्थाओं में जो काम होता है वो कर रहे हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं? आलस कर रहे हैं। आज ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जो मेरे तो आइडियल है, और अगर आपने उनकी बायोग्राफी एक बार पढ़ ली तो 110% आपके भी वो आइडियल हो जाएंगे। ऐसे महान पुरुष के जन्मदिन के अवसर पे मैं हमेशा आप सबको विश करता हूँ। आप सबको पता है कि 12 जनवरी 1985 से हम लोग हमेशा मनाते आए हैं अपना युवा दिवस आज के दिन, और आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि उनका नाम लेके ही, मीन स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेके ही अंदर से एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उनके एक कोट को पढ़ोगे तो हजारों चीज़ें निकल के आ जाएंगी, हजारों चीज़ों का क्लैरिफिकेशन उन्होंने तब कर दिया था। उनका जन्म कब हुआ था आपको पता है? 12 जनवरी को हुआ था, 1863 में कलकत्ता में हुआ था, और इतने सामान्य परिवार में हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उस हाल में उन्होंने इतना कुछ किया, बहुत छोटी सी एज में उन्होंने इतना कुछ किया कि हम उनके एक एक बायोग्राफी के एक एक लाइन में घुस जाते हैं तो डूब जाते हैं, इतना कुछ है। दोस्तों उनकी कुछ फेमस कोट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस कोट है वो है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यम वरण्याति, मतलब उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक मत बैठो। और आज के समय में समस्या यही है, बैठने जाते हैं हम लोग, जैसे ही बैठने जाते हैं कि चलो अभी फोकस करना है, तब तक मैं ट्रेन ट्रेन मैसेज आ जाता है। ओहो, अरे क्या हुआ तुमको, तुम कहाँ लग गए, अच्छा तुमको क्या हो गया, ओहो इसका बर्थडे था, ओहो ये मालदीव में जा रहा है, ओहो तरह तरह के टेंशन हमको मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर रखा है, बवाली नहीं जब मैं खोलूंगा तभी होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोट दिए, उन्होंने कहा कि काम अगर, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम बहुत से लोग डेली इस धरती पर पैदा होते हैं, बट कुछ अच्छे लोग, कुछ खास लोग एक साल में इतना काम कर जाते हैं कि हजारों लोग सदियों में जन्म लेने के बाद भी वो काम नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कि आप हो सकते हो स्पेशल पर्सन अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो कि भाई हम कुछ अलग हैं। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था, उन्होंने क्या बोला था, कुछ इस तरीके से उनका कोट था कि आप ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर भी वो चीज़ें डेवलप होने लगेगी, आप आइडियल चीज़ों को सोचने लगोगे, आइडियल तरीके से सोचने लगोगे। वो कहते थे लक्ष्य को बड़ा रखो, लक्ष्य को बड़ा रखो और वहां तक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करो, लहरों को मत देखो, क्योंकि लहरों का काम क्या है, उड़ते रहना, देख के घबरा कर यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, अरे यार ये लहरें हैं, समुंदर को देखो, शांत अपना काम करता चला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के टाइम में सब ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम यही हो रही है, छोटी छोटी लहरों को देख रहे हैं, अच्छा ये यहाँ जा रहा है, मेरी लाइफ तो बेकार है। अरे यार तुम्हारी लाइफ उससे भी अच्छी हो सकती है, सिर्फ उनको देखना बंद कर दो, लहरों पे फोकस मत करो, मतलब देखो ये वाली नजर से देखो, यहाँ वाली नजरों से मत देखो। तो दूसरी चीज, जब आप समुद्र का सोचते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है ना मैं कुछ अलग हूँ यार, मेरे को कुछ बड़ा सोचना है, और बड़ा सोचना है। और उनकी एक कोट मुझे और अच्छी लगी जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है आप भी फॉलो करते हो कि नहीं। वो कहते हैं कि आप अगर दिन में कम से कम एक बार खुद से बात नहीं करते, मतलब अपने से बात नहीं करते, टॉक विथ योर सेल्फ नहीं करते, तो आप इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मीन सबसे स्पेशल पर्सन से बात करने का जो आपको एक मिला था कि बात करने का आपको एक अवसर मिला था आपने खो दिया, तो जरूर अपने से बात करिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने से बात करते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें रियलाइज होती है, बहुत सी चीज़ें पता चलती है, ये गलत किया मैंने, ये मैंने अच्छा किया है, तरह तरह की चीज़ें होती है। प्लस आपको बताया जा रहा है ना युवा दिवस, तो युवा क्या करता है, युवा की तरह सोचता है, गलत चीज़ों पर स्टेप्स लेना चाहिए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम गलत चीज़ों पर स्टेप्स ना लेके जो हमें सिखाने की लोग कोशिश करते हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, उस पर स्टेप लेने तैयार हो जाते हैं, जिसका मैं हाल ही में एग्जांपल दूंगा। अब देखिए व्हाट्सएप को देखिए किस तरीके से इसने दिमाग लगाया कि अब हम पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लेंगे, आपकी पूरी जो डाटा है, आप कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, किससे बात करते हो, सब कवर कर लेंगे। वैसे तो इस पर कोई स्पेशल मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट ये देखो कि किस तरीके से आपको चेक कर रहा है, पूरी तरीके से आपको पकड़ ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी सब कोई, हर एक इंसान व्हाट्सएप से एडिक्टेड हो चुका है,
ठीक है। अब उनको पता है कि पता है यूज तो करने ही वाला है, कोई टेंशन नहीं है, अब मैं जो कराऊंगा। कहते हैं ना कि पहले तुम आदत डालो फिर उसके बाद आदतें तुमको गुलाम बना लेती हैं। तो अब क्या हो गया कि आदतें तुमको गुलाम बना चुकी है, मतलब हमको भी तुमको भी, कि व्हाट्सएप को चलाना ही है क्योंकि व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे ही सब कुछ आएगा। मैंने इसका स्टेप तो ऐसे लिया, मतलब कि कई लोगों ने तो बुरा मान लिया कि सर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स क्यों डिलीट कर दिए। भाई बुरा मत मानना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए और अपने लिए अच्छे के लिए किया है मैंने। अच्छा ये कि जो गलत है उस पर स्टेप्स लेना है, बल्कि मेरा लॉस है उसमें, बट कोई बात नहीं, लॉस से कुछ अच्छा आगे कर लेंगे। तो उसके जगह पर मैंने टेलीग्राम को प्रीफर किया है। टेलीग्राम का मैं चैनल लिंक और क्या बोलते हो ग्रुप लिंक दोनों में इधर दे दे रहा हूँ, जिसको जुड़ना है वहाँ पे जुड़ के चैट कर लो, चैट ही तो करना है, ठीक है। इसलिए मैंने व्हाट्सएप को रिमूव किया, क्योंकि व्हाट्सएप का क्यों ग्रुप अभी रिमूव किया, धीरे धीरे व्हाट्सएप भी रिमूव करूंगा, एक साथ नहीं कर सकता, सारे लोगों को पहले इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट लोग तो छूट जाएंगे वहाँ पे, मैं नहीं चाहता कोई छूटे। तो दोस्तों मतलब कि व्हाट्सएप पे हमको स्टेप लेने की जरूरत है कि भाई ये ठीक है, गलत है तो गलत है, इस पे स्टेप लेते हैं। मैंने तो किसान आंदोलन पे भी स्टेप लिया। अब कई लोग उसको क्या दिखा रहे हैं, आईटी सेल वाले तो बेवकूफ बनाते हैं, वो तो आपको पता है। अब आईटी सेल वालों के साथ हम भी चीज साहब करने लगेंगे तो क्या होगा, मतलब ये तो वही होगा, गधों के साथ हम भी गधे बन गए, ठीक है भाई। अगर एक किसान ऑडियो में बैठा तो उसमें बुरा क्या है, किसान बड़ा नहीं हो सकता, किसान अमीर नहीं हो सकता है, लोग उसका भी विरोध किए पड़े, किसान क्या पिज्जा नहीं खा सकता है, केवल आप ही पिज्जा खा सकते हो। आपको पिज्जा की कोई हिस्ट्री पता है क्या, पिज्जा कहाँ से आया, ठीक है। पिज्जा का जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो आप कहोगे अच्छा ये तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फ्रांस से आया हुआ है, मैं आज युवा दिवस पे ये सब बातें नहीं करने आया हूँ। बस मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर एक युवा वाली चीजें लेके आओ, और युवा का मतलब यही होता है कि वी एक्टिवेटेड ऑल टाइम, ठीक है। और इतना काम करो कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन किसी एक स्पेशल काम को करके या फिर उसको करते हुए मर जाना, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। मैं तो इसी को लाइफ में अपने एम रखता हूँ, और ये विवेकानंद जी का कोट है, मेरा कोई कोट नहीं है ये। और मैं चाहूँगा कि आप विवेकानंद जी की बायोग्राफी जरूर पढ़ें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको भी समय मिले। अगर आप मेरे से बोलते हो कि हिंदी की कोई अच्छी बुक पढ़नी है तो स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी से अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इज अबाउट ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के लिए। तो आप इसको पढ़ के फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो क्योंकि ऑफकोर्स आज युवा दिवस था, तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले एनर्जी लेके मैंने कहा पहले आप सबको मैसेज करूंगा, मैसेज करने का माध्यम वीडियो सबसे अच्छा था। तो युवा दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, यहाँ पर सबको विश करिएगा, और साथ ही साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो क्या बोलते हैं आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड लेके आऊँगा और उसको भी आपको देख जाऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।